सभी को राधे राधे श्री कृष्णा। तो वेलकम बैक अगेन माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आपको ले आया हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा में और आपको दर्शन कराऊंगा ज़िला अमरोहा के सबसे बड़े मंदिर वासुदेव तीर्थ का, जहाँ का नज़ारा अद्भुत है और देखने लायक है। दोस्तों आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए, आज का ब्लॉग बहुत ही भव्य और सुंदर होने वाला है। आपका हृदय पुलकित हो उठेगा आज इस वासुदेव तीर्थ के दर्शन कर। तो मंदिर का कैसा नज़ारा है मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में दिखाने वाला हूं और विस्तार से जानकारी देने वाला हूं इस ब्लॉग में। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आगे भी शेयर करते जाना। तो दोस्तों मैं इस समय वासुदेव तीर्थ टेम्पल में प्रवेश कर चुका हूं और वहां पर खड़ा हूं जो तालाब के ऊपर एक बड़ा सा पुल बनाया गया है, बीचों बीच उस पुल पर मैं खड़ा हूं और यहां से मंदिर का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बारीकी से प्रत्येक जगह जाकर आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा स्थान क्या है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, आप बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों सबसे पहले टेंपल में प्रवेश हमने स्कूल की तरफ से किया है, जो उमापति महादेव कॉलेज फार्मेसी है उधर से किया है, रॉन्ग साइड से। तो दोस्तों जब हमने बड़े इसमें एंट्री की, सबसे पहले महादेव की आपको बड़ी सी प्रतिमा यहां देखने को मिलेगी। देखिए यहां पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, ये बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर है और नीचे ये बड़ा सा तालाब है। दोस्तों ये देख लीजिए इधर, ये देखिए वो बड़ा सा एक तालाब है, इसमें मछलियाँ कलरफुल रहती हैं। फिलहाल हो सकेगा तो दिखाएंगे, उसके लिए भी हमने दाना खरीदा है मछलियों का, वो भी दिखाएंगे और इधर से भी देख लीजिए। तो दोस्तों आगे को चलते हैं अब आपको दिखाते हुए। ये सामने आपको याद आ रहा होगा नज़ारा, श्री कृष्ण भगवान की चार मूर्तियाँ मतलब प्रतिमाएं बनाई गई हैं और शेष नाग के ऊपर। दोस्तों ये उस समय का नज़ारा है जिस समय श्री कृष्ण भगवान की बॉल उस कुएं में चली जाती है और अंदर चले जाते हैं और शेष नागों की शैया के ऊपर बैठते हुए बाहर आते हैं। शायद वही नज़ारा आप लोगों को देखना मिलेगा, नीचे जो है जल ही जल है, ऊपर ये इस तरह से शेष नाग और श्री कृष्ण भगवान उसके ऊपर विराजमान है। ये देख लीजिए दोस्तों मैं दिखा देता हूँ। तो और इधर मंकी चाइल्ड जो कि घूमते हुए हैं और इधर से देख लीजिए दोस्तों, इधर पूरा बाकी बहुत बड़ा तालाब, ये देखिए कलरफुल तालाब जहाँ का नज़ारा ही अद्भुत है। और इधर अभी आप देख चुके हैं और अब मैं महाबली वीर बजरंगबली के वो दर्शन कराने वाला हूँ जिनकी विराट प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। इधर देख लीजिए दोस्तों, ये जो है श्री हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है और इधर साइड में यहाँ सूर्य पड़ रहा है, थोड़ा उसका जो लाइटिंग है वो बढ़िया नहीं आ पा रही है। तो इधर ये शंकर भगवान का जो शिवलिंग है वो बना हुआ और इस पर प्रतिमाएँ शिव गंगा माँ की और शिव शंकर भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। अभी लेके चलेंगे उसके अंदर भी, पहले यहाँ क्लियर कर लेते हैं और यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि मछलियाँ हैं या नहीं। अभी जो दाने हम लोगों ने खरीदे हैं वो डालेंगे, देख लीजिए दोस्तों और पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ इस बीच। इधर ये मंकी बाबू देख, तो हमने जो खरीदे थे दाने ये बच्चों से आपने देखा होगा वीडियो में, तो ये हमने कुछ दाने खरीदे हैं। ये मंकी तो शायद खाएगा नहीं, मच्छियों पे ट्राई करते हैं, अगर मछलियाँ बाहर आती हैं तो मछलियाँ बाहर आती हैं, देखते हैं खाती हैं कि नहीं। ये आटे के ये दाने बनाए गए हैं जो कि खाएगा ही नहीं खाएगा। आटे दाने खा गए सारे, मछली के दाने तो खा गया मछली के दाने बंदर खा गया
ज्यादा खराब है, गले में बहुत दर्द है। दोस्तों अब देखेंगे इसमें ट्राई करके, अगर कलरफुल फिश अगर बाहर निकलेंगी तो देखेंगे, जैसे बोला जाता है कि इसमें कलरफुल फिश हैं, तो ट्राई करके देखेंगे अगर आएंगी बाहर। वैसे मुझको लगता नहीं कि क्योंकि वाटर ही इतना थोड़ा है। दोस्तों अब आप लोगों को दिखाई देते हैं वो मंदिर के हिस्से जहाँ पर प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। तो इधर गैलरी से होकर हम उस मंदिर की ओर बढ़ते हुए, जिसको वासुदेव तीर्थ के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, तो अभी दिखाएंगे आप लोगों को। ये वो गैलरी है और इधर हम पीछे से इधर ये इसको छोड़कर दिखाकर आप लोगों को आ चुके हैं। इधर ये फुब्बारे भी हैं और यहाँ पर नाव की भी व्यवस्था, अगर आप यहाँ पर घूमना चाहते हैं तो। और इधर शिवलिंग, ये जो हम पीछे वीडियो में दिखा रहे थे ये शिवलिंग है, दिखाएंगे अभी। जिस चीज का शिवलिंग बना हुआ है उधर सामने नंदी बैठे हैं और उसी के जस्ट सामने है वो टेंपल, और यहाँ से आपके सीधा अंदर के दर्शन करा देते हैं। और ये यहाँ से एंट्री, फिलहाल जो है गेट बंद है, और वहां पर अंदर शंकर भगवान और जी की काफी प्रतिमाएं हैं जो कि यहां से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, बस शिवलिंग ये नजर आ रहा है और इसका जो बाहरी नजारा है वो दिखाएंगे। ये इधर कुछ इस तरह से यहां मार्बल की डिजाइनिंग पेंटिंग लगाई हुई है और इधर से ये बंद है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दो फोटो क्लिक कर लेते हैं और आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर फोटो और दर्शन करने की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है और अब आपको दिखाते हैं अगला टेंपल जो आपको बेहद ही मनमोहक लगेगा। अभी आपको थोड़ी देर में दिखा देते हैं। और ये पीछे से कुछ इस तरह चमकते हैं, इसके बाहरी जो नज़ारा है वो इस तरह से कुछ इसका चमक रहा है पीछे से। और इधर ये पीछे आपको अभी दिखाया ही था टेंपल के अंदर भी, और इधर ये टेंपल का पिछला हिस्सा जो वहाँ पर नंदी बैठे हैं, इधर सामने वहाँ नंदी बैठे हैं और यहाँ सामने इधर टेंपल है। तो दोस्तों अभी हम अपने शूज पहन लेते हैं और जी की फिर आपको दिखाते हैं अगला टेंपल। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। टेंटना अब दिखा देते हैं मंदिर का वो बाहरी हिस्सा जिसके हम बाहर आ चुके हैं, और इसके फ्रंट का सामने का भी कैमरा ओपन करके आप लोगों को दिखा देते हैं इसके आगे का नज़ारा कैसा है और कितना ही मनमोहक और प्यारा है। चलिए देख लीजिए, और सूर्य देवता की किरणें हमारे मुंह पर पड़ रही हैं वैसे कुछ इस तरह से है। और इधर भी है कुछ टेम्पल, ये बाहर का नज़ारा आप लोग शायद देखने के लिए, ये इधर भी है बाबा मोहन राम जी और जी हनुमान जी इस तरह से कुछ, और इधर है एक इस तरह से कुछ नया कुछ भगवान परशुराम का मंदिर जो कि अभी पूरी तरह लॉकेड है, शायद पता नहीं कब खुलता है। और इधर फिर आपको देखने को मिलेगा एक महर्षि वाल्मीकि आश्रम, ये देखिए बहुत ही प्यारा। ये यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम देखिए इस तरह से कुछ, वाव। और इधर है बाबा महाकाल शिव शंभु, ये इस तरह से ओ। और इधर ये नीचे प्यारी सी स्माइल देते हुए है लेटे हुए हैं, और आगे भी है। और इधर ये पेड़ है, पता नहीं लग तो इमली सर आया लेकिन पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। हाँ, भगवान श्री दश प्रदापति जी का ये टेंपल इधर,
दक्ष महाराज, और इधर इधर से कुछ इस तरह से इस टेंपल का नज़ारा है, और इधर से फिर एक बार वासुदेव तीर्थेश्वर। देखिए हमारे कृष्ण कान्हा जी हैं, और इधर इनको राधा माँ कहा जाए या क्या कहा जाए आई डोंट नो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और पीछे से ऊपर ये जो शेषनाग हैं वो किस तरह से प्रतिमा प्रदर्शित हो रही है, और इधर साइड में एक मछलियों का छोटा सा ये है, बड़ा ही सुंदर और प्यारा है, ये देख लीजिए। हाँ, ब्लैक कलर की ये मछलियाँ हैं, ये बहुत ही प्यारी मछलियाँ इसके अंदर हैं। और इसके ही पीछे हैं श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान या श्री राम, कुछ भी कहो जो आपको उचित लगे ये। और इधर वो इसको बताएंगे इनका जो सवारी है क्या है, आप इससे जान जाएंगे। इसको देख लीजिए गौर से और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है, ठीक है। और इधर इसको कहा जाता है कि कई सौ वर्ष पुराना ये वृक्ष है बड़ का। देख लीजिए भाई साहब, अगर इस वृक्ष की आदमी कोई 10 आदमी भी कोली भरेंगे तब भी नहीं आएगा, इतना मोटा वृक्ष है। और ये वृक्ष इसी में से ही इधर से निकला हुआ है, ये देख लीजिए ये वृक्ष है, बहुत मोटा वृक्ष है। और इधर फिर टेंपल, इधर मंकी, और इधर फिर एक छोटा टेंपल है, और फिर इधर से, और यहाँ से है ये तालाब है, और उधर भाई साहब इधर है ये धर्मशाला, आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं। और इधर अपने पंचमुखी बालाजी हनुमान, और इनके साथ कुछ पिक्चर्स लेने बाकी रह गए, पर देख लीजिए यहाँ से टिक टिक। और इधर ये बड़ी सी प्रतिमा है, ये देख लीजिए। ये हमारे बाला, हा 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 हा। तो भाई साहब आपने देखा अमरोहा का सबसे बड़ा वासुदेव तीर्थ टेंपल, तो यहाँ का एक शेष जो काफ़ी भव्य है और दर्शकों को लुभाने वाली बात यह है कि यहाँ पर हिंदू भी आते हैं मुस्लिम भी आते हैं, सबसे बड़ी लुभाने वाली बात यह है। और ये मेरे पीछे जो हैं पंचमुखी बालाजी, हाँ जिनको हनुमान जी कहते हैं, और ये कि इस तरह से ये मेरे पीछे तालाब है जिन्हें वो सीढ़ियाँ हैं, और पीछे पब्लिक है, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम प्रत्येक तरह के लोग यहाँ आते हैं। और इस तरह से यहाँ कुछ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं हनुमान जी के इस आंगन में, आप यहाँ पर बैठकर आराम कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो यहाँ पर आइए ज़रूर। और भव्य नज़ारा है, एक बार देखिए ज़रा, बहुत ही लुप्त मिलेगा आपको, और हम भी बैठ के ट्राई करते हैं। तो वाह वाह, एक नंबर क्वालिटी के साथ हमारी यहाँ वीडियो आ रही है, बट मैं ही कह रहा हूँ तो क्या करूँ। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर दें।